और मैं आज की इस तकरीब के हवाले से हुजूर सुल्तानुल्लाह आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जद्दे अमजद के आस्ताने आलिया के उनके मजार मुकद्दस के रूबरू अपने तमाम तहरीकी साथी, अपने तमाम तहरीकी भाई जो इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल्लाह आरिफीन के साथ वाबस्ता है, वो तमाम मेरे साथी और मेरे भाई इस मकाम मुकद्दस के सामने मेरी इस बात को ऐलान समझें, मेरी इस बात को गुजारिश समझें, या मेरी इस बात को मशवरा समझें, या बंदा राजीज की इस बात को हुक्म समझें, ये आप पे लागू होगा और आपको अपने आप के ऊपर ये लागू करना होगा। और ये रवायत हम शुरू करेंगे, ये रवायत हम डालेंगे तंजीमुल्लाह आरिफीन के ये जानिसार के आइंदा जहां भी हमारे बेटों की शादी होगी और जहां से भी हम रिश्ता तलब करेंगे, हमारी शर्त ये होगी कि हम उस बेटी से जहेज वसूल नहीं करेंगे। क्या आप हजूर सुल्तानुल्लाह आरिफीन के जद्दे अमजद के रूबरू आप ये वादा करके जा रहे हैं, आप इस वादे को इफा करेंगे? शादियां होंगी वहां पे हमारी शर्त ये होगी बेटी लेने की कि हम जहेज की लानत नहीं लेंगे। और याद रखें, अगर इस रवायत का आगाज सुल्तान बाहू के गुलाम नहीं करते तो दुनिया में कोई नहीं करेगा। अगर इन रवायात की बुनियादें, अगर इन रवायात की बुनियादें एक जिंदा और एक आलमगीर तहरीक के कारकुनान नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं करेगा।